फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राजस्थानी ट्रेडिशनल सब्जी लेके आई हूँ, केर सांगरी की सब्जी। राजस्थान में इसे सप्तमी के दिन बनाई जाती है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती है फ्रिज के बाहर भी। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थानी केर सांगरी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए, केर सांगरी बोलते हैं इसे, या पचकुटा भी बोलते हैं, इसे सांगरी बोलते हैं, इसे कुमुठा बोलते हैं, इसे केर बोलते हैं। इसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, तीनों मैंने एक एक बाउल लिया है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे ओवरनाइट सोक करके मैंने अच्छे से 5-6 बार पानी से धो लिया है। देखिए, इस तरह से क्लीन हो चुकी है ये। इसे बहुत अच्छे से धोना चाहिए। फिर ड्राई मसालों में मैंने लिया है रेड चिली, वो मैंने 4 से 5 ली है, ज़्यादा ली है मैंने। जीरा 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, इसकी जगह हम नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने सब्जी बनाने के लिए। अब सबसे पहले हमें इसे कुकर में बॉईल करना होगा, उसके लिए हम तीनों चीज़ें डाल देंगे कुकर में। अब इसमें पानी डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी हल्दी डाल देंगे। हल्दी इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये रंग अच्छा है सब्जी में। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि उबलते वक्त कुकर से बाहर नहीं आए और छोटी छोटी रहे सब्जी। अब इन सबको मिक्स करके मैं 7 से 8 सीटी ले लूँगी। देखिए, मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसमें। अब मैं इसकी सीटी ले लेती हूँ 7 से 8। देखिए फ्रेंड, 7 से 8 सीटी आ चुकी है कुकर की। अब मैं इसे खोल लेती हूँ। देखिए, हमारी केर सांगरी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे इस तरह से देख लेना है हमें। ये देखिए, एकदम पक चुकी है अच्छी तरह से। अब हम सब्जी बना लेते हैं, उससे पहले मैं इसका सारा पानी निकाल लूंगी। सब्जी बनाने के लिए एक पैन में ऑयल लेंगे, इसमें ऑयल हमें ज़्यादा लेना है। ये सब्जी ऑयल में ही बनती है क्योंकि ये सब्जी हम 1 से 2 दिन तक खाएंगे। सातम में ठंडा खाने के लिए बनाई जाती है ये सब्जी, इसलिए इसमें ऑयल अच्छा लेना है। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। इस तरह से तोड़ के डालने से इसकी तिखास आ जाएगी सब्जी में। अब ये थोड़ी भून जाए, फिर उसके बाद इसमें जीरा डालना है, हींग डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, और जो सब्जी हमने बॉईल करी थी वो डाल देंगे। देखिए, कुकर में हमने हल्दी डाल दी थी इसलिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसे मिक्स कर लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये तीखी सब्जी अच्छी लगती है। और इसमें हमने ग्रीन चिली नहीं डाली है, इसमें ड्राई मसाला ही करेंगे क्योंकि हमें 1 दिन रखना है इस सब्जी को। धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी ज़्यादा डाला है मैंने। गरम मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, ये भी मैंने ज़्यादा डाला है, थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है सब्जी। और सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, हमने अंदर उबलने में भी सॉल्ट डाला है इसलिए उस हिसाब से सॉल्ट डालेंगे। ये सब्जी बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं अचार की तरह। अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्स करते ही ऑयल इसमें छूटा पड़ रहा है।
एकदम अचार की तरह बनती है सब्जी। देखिए सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, सब्जी का कलर भी इतना अच्छा आ गया है, लेकिन इसका पानी पूरी तरह से तोड़ने के लिए हमें इसे 5 मिनट तक कुक कर लेना है। इसे ढककर नहीं, इसे खुला ही कुक करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, तेल पूरी तरह से सब्जी का बाहर निकल गया है और इसमें पानी भी नहीं बचा है। ये राजस्थानी ट्रेडिशनल सब्जी बनकर रेडी है हमारी। इसे हम सातम में भी खा सकते हैं और इस तरह से भी खा सकते हैं। ये पूरी पराठे सभी के साथ अच्छी लगती है फ्रेंड्स। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है एकदम इजी वे में बनाई गई राजस्थानी ट्रेडिशनल सब्जी केर सांगरी की सब्जी। आप इसे पूरी पराठे या डेबरे के साथ ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।